आवाज बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। नोबल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब नसरुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब आसिफ शेख साहब, चेयरमैन जनाब सुफियान शेख साहब और तमाम मेम्बरान और यहाँ मौजूद तमाम पेरेंट्स, तमाम शुरका, तमाम बच्चे, सभी का मैं बहुत तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि आप एक अच्छे मौजू पर, अच्छे उनवान पर और एक अच्छी गैदरिंग में जमा है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने अपने कीमती दिन को, एक अच्छे दिन को एक अच्छे काम के लिए निकाला है। आप सब अपने लिए, अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालांकि तैयारी तो मेरी कुछ और है, लेकिन मैं आज की गैदरिंग का रंग रूप देखकर और जहां से मैडम ने बात खत्म की है वहीं से मैं शुरू करता हूं। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे साथ एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ है आज की दौर में, यहां जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि जिस वक्त हम बच्चे थे, पेरेंट्स नहीं बने थे, शादी नहीं हुई थी, तो जो हमारे माँ बाप थे वो हमारे सुनते नहीं थे। फिर शादी हुई तो जिससे शादी हुई वो नहीं सुनता था या सुनती थी, और जब बच्चे हुए तो आज वो भी हमारी नहीं सुन रहे। तो ये बड़ी दुविधा की पोजीशन है। मैं समझता हूं मेरे से सब एग्री है, सब लोग ना, तो यही से बात शुरू करते हैं। देखिए, एक इंसान की तरबियत का आगाज कब से होता है? हम क्या कहेंगे भाई, एक इंसान, एक बच्चा पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, अभी 9:12 पर पैदा हुआ, तो उसकी तरबियत का आगाज कब से होगा? हम कब से उसके ऊपर एक उसको अच्छा इंसान बनाने की मेहनत शुरू करेंगे, कब कह सकते हैं? देखिए इस मामले में, अच्छा पहले आप जरा सेटल हो जाइए प्लीज। काउंसलिंग की जरूरत आज की तारीख में सिर्फ बच्चों को नहीं है, उनके माँ बाप को भी है। उनके घर में जितने अफराद रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जितने बच्चों से वो इंटरेक्शन करता है, जितने बच्चों, जितने लोगों से उसकी फील से ही बात होती है, वो सब उसके उस काउंसलिंग के मुस्तहिक है। देखिए इस मामले में खलील जिब्रान का कॉल है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत जगह उसको बोलता हूं। शादी या निकाह ये अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी की सुन्नत है और जरूरत है, समाज का दस्तूर है। मैं इसका एक अलग पहलू बताता हूं। एक लड़का जब एक लड़की को देखता है इस नजर से कि वो उससे शादी करे, उससे निकाह करे, तो वाकई अगर वो निकाह का ख्वाहिशमंद है और एक लंबी जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है, तो वो लड़की नहीं देखता, वो उस लड़की की परेशानी में आने वाली अपनी दो तीन नस्लें देखता है जो दुनिया में आई नहीं, कि ये लड़की है जिससे मेरी नस्ल आगे चलेगी। और एक लड़की जब एक लड़के को इस नजर से देखती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूं, इससे मेरे निकाह होने वाला है, तो वो उस लड़के को नहीं देखती, वो उसकी परेशानी में उसकी दो तीन नस्लें देखती है जो दुनिया से जा चुकी। लड़का
कभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, वो उस माहौल को प्रेजेंट करता है, उस हसब नसब को प्रेजेंट करता है जिससे वो आ रहा है। और लड़की जब निकाह के लिए ये चीज देखती है तो आपकी उस बच्चे को नहीं दिखती, उस आने वाली नस्ल को देखती है, जो गुजरी हुई नस्ल को देखती है कहां से आए। और लड़का उस बच्ची में, उस खातून में, उस लड़की में अपनी आने वाली नस्ल देखता है। अगर ये दोनों चीजें आप देखने में कामयाब हो रहे हैं तो यकीनन आप एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे, एक बेहतरीन माँ बाप का रोल किरदार अदा करेंगे और बेहतरीन बच्चों के बाप बनेंगे, बेहतरीन बच्चों की माँ बाप बनेंगे। इस नजर से देखने की आदत डालिए, शुरुआत कीजिए। हुस्न, खूबसूरती, पैसा, नौकरी, खानदान, कराबतदारी, ये भी चीजें हैं समाज में, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन यह भी चीज है। अगर हम इस नजर से देखना शुरू करते हैं तो यकीनन हम एक अच्छी नस्ल की परवरिश का आगाज करेंगे। ये सबसे अहम नुक्ता आज का है। वालिदैन होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। किसी माँ बाप को, किसी जोड़े को औलाद जैसी नेमत मिले तो मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन नेमत के साथ में एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभी मैंने कहा कि कोई चीज ठिकाने पे नहीं मिलती, कोई चीज जगह पे नहीं मिलती, कोई चीज एक जगह रखो वहां मिलती नहीं, कभी कभी माँ बाप भी ठिकाने पे नहीं मिलते, यहां वहां हो जाते हैं बच्चों के पीछे है? ये जिम्मेदारी जिसे हमें और आपको बहुमूल्य अदा करना है। इसका सबसे अहम पहलू क्या है कि इस जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं। कब से कब तक? जिस दिन से आप माँ बाप बने उस दिन से लेके जब तक आप दुनिया में हैं तब तक आपको छुट्टी है इस जिम्मेदारी से? नहीं। माँ बाप की ड्यूटी में संडे आता है क्या? नहीं यार। क्या संडे आज छुट्टी, आज मैं तेरा बाप नहीं तो मेरा बेटा नहीं आता? छुट्टी के दिन ज्यादा काम रहता है, डबल हो जाता है। आज तो वो मैं उन खवातीन को सलाम करता हूं कि आज तो ये मेरे बच्चे घर में है और इनका बाप भी घर में है। इम्तिहान की घड़ी रहती, जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं। और ये जिम्मेदारी हमको उसमें खूबी अंजाम देनी है अगर हम उसकी थोड़ी सी मंसूबा बन लेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे। और अगर ये प्लानिंग हमारी कामयाब रही तो इंशाल्लाह किसी को काउंसलिंग की जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक चलेगा। काउंसलिंग कैसे करेंगे? काउंसलिंग बोल के नहीं कि देखो आज पीर है, आज इतवार है, 11:30 बजे हम केसरबाग में मिलेंगे और आपकी काउंसलिंग करेंगे, ऐसी नहीं। आपके हर अमल से, आपकी हर हरकत से, आपके हर बैठने से, आपके हर उठने से, चलने से, फिरने से, खाना खाने से, सोने से, जो बच्चों के सामने आप हैं उनसे, जो बच्चों के पीछे आप हैं उनसे, जो रिश्तेदारों के सामने आप हैं उससे, हर चीज से उस बच्चे की काउंसलिंग हो, वो बच्चा सीखेगा। हमने देखा है कि बच्चे बोलना सीखते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं ये समझते नहीं है लेकिन बोलते हैं। तो वो बसा होता है किसी के सामने ऐसी बातें भी बोल देते जो नहीं बोलनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो नकाली करते हैं। बेटा बाप की नकल करेगा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, बेटी मां की नकल करेगी, मैं झाड़ू मार रही हूं, मैं खाना बना रही हूं, नकल। इसका मतलब वो आपकी कही हुई बातों को कम ध्यान और तवज्जो से सुनता है और आपके की गए अमल को ज्यादा तवज्जो से देखता है। तो आपके हर अमल में, आपके हर एक्शन में, आपके हर हरकत में उसके लिए एक मैसेज है, एक हिडन मैसेज है जो वो आप देते भी हैं और वो कैच भी करता है, उसको प्रैक्टिकली करता भी है, एक हिडन मैसेज। और जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप ये देंगे उतना स्ट्रांगली वो उसको रिसीव करेगा और उतना स्ट्रांगली उसका काम करेगा। तो ये सबसे अहम पीरियड है। एक दिन में कोई काम नहीं होता। हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, बुनियादी तौर पर हम किसान हैं सब,
एक नस्ल दो नस्ल पीछे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबका शगल आके किसी ना किसी किसान फैमिली से मिलेगा या लड़ने वाली फैमिली से मिलेगा। बुनियादी तौर पर किसान, किसानी खेती का काम क्या है? आपने जिस दिन बीज बोया उस दिन से खेती की मेहनत करना कि जब वो फसल तैयार हो गई तब मेहनत करना। हमने जिस दिन बीज बोया है उस दिन से हम मेहनत करेंगे, उस दिन से उसकी देख रेख करेंगे, उस दिन से उसका ख्याल रखेंगे, उस दिन से उसके आगे पीछे घूमेंगे, उस दिन से उसकी नींद हमारी नींद, उसका आराम हमारा आराम, उसका चैन हमारा चैन, उसकी भूख हमारी भूख, उसकी प्यास हमारी प्यास, उसकी तालीम हमारी तालीम। ये बुनियादी फलसफा है। एक बच्चा जब स्कूल आता है वो अकेला स्कूल नहीं आता, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्कूल आता है। तो उसके अब्बा भी स्कूल आते हैं, उसकी अम्मी भी स्कूल आती है, उसके दादा दादी सब स्कूल आते हैं। तो बच्चा अकेला स्कूल नहीं आता, वो अपनी पूरी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बन के स्कूल आता है और वक्तन फोक्तन उसकी फैमिली को भी आना पड़ता है। टीचर जो है दो बातें बच्चों को सिखाती है, चार बातें पेरेंट्स को सिखाती है। ये दो चीजें लिख के दे रही हो जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, ये टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, वो कैलेंडर में लिख के देती है, ये तीन पर ये लिखना है, दो पर ये लिखना है, ये लिखना है, ऐसा करना वैसा करना। किसके लिए लिखती है? बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए। मतलब उसके माँ बाप भी स्कूल आ रहे। यहां से हमारी ड्यूटी शुरू होती है, यहां से हमारा काम शुरू होता है। यहां से हमें करना यह है कि हम उस बच्चे के जहन में, उसके एक लाशऊर में, उसको समझेगा नहीं उसको, उसके लाशऊर में एक मैसेज दे, एक बीज लगाए खाप का, एक उमंग उसमें जगाए। अभी यहां बताया गया हमारे रसूलुल्लाह साहब के बच्चे ने जेईई में टॉप किया नासिक में, मेंस में भी एडवांस में भी, खाने की बात नहीं, सही कह रहा है, बहुत मुश्किल। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये माँ बाप यकीनन मुबारकबाद के गुस्से के, इन्होंने उस वक्त जब वो किंडर गार्डन में जा रहा होगा, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा होगा, उस वक्त उसके लाशऊर में कहीं एक बीज बोया होगा, कहीं उसकी मैनेजमेंट की होगी, उसको परवान चढ़ाया होगा, उसको देखा होगा, उसको भाला होगा, तब जाके वो बीज जेई के मेंस और एडवांस में टॉप के नतीजे उनके सामने आए। उस वक्त बच्चा ना समझेगा, लेकिन आपको उसको एक ख्वाब दिखाना है, एक मुसल्लम हौसले वाला ख्वाब दिखाना है, आगे बढ़ने वाला ख्वाब दिखाना है। उसको ये बताना है कि तुम मामूली चीज नहीं हो, तुम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए आए। देखिए सलाहियत अल्लाह की दी हुई, सलाहियत अल्लाह की दी हुई, हाथ पैर आंख नाक रंग रूप अल्लाह का दिया हुआ है, आपका नहीं है, ना आपका खुद का ना आपके बच्चे का, सब ऊपर से। हमें क्या करना है? हमें उसमें रन भरना, हमें उसको गाइड करना, हमें उसे रास्ता दिखाना और उसके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहना है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यह हौसला देना, क्योंकि आमतौर से हमें हो गया। अभी सर ने रहबर के तारुफ में बताया कि यह मतलब स्कूलों में भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह किताबों का काम कर रहे हैं, अनाज की तकसीम का काम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। लेकिन जिन बच्चों को हम ये चीजें फराहम कर रहे हैं उनके माँ बाप को भी हम इन्वॉल्व करें कि हमने आपके बच्चों को ये चीजें दी थी पिछले साल, कहां है वो कॉपियां, वैसी कॉपी रखी है या उनका कुछ इस्तेमाल हुआ है। करते हैं हम लोग, हमारे स्कूल में भी करते हैं। क्या किए माँ बाप ने? बेच तो नहीं दिए, हाउस मिला होता है, यूनिफॉर्म दिया है, दो दिलाए थे, दोनों बताओ, अरे फट गए, अरे फटे ना बताओ, कहां गए? ये चीज हम बच्चों को देंगे, हमारे जो चीजें हैं, हम जो चीजें बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप भी उनके माँ बाप हुए ना, हम चीजों को फराहम कर रहे हैं, आप भी उनके फैमिली मेंबर हुए, वो चीजें देखिए। तो जब हम एक एनजीओ को ये बोल रहे हैं, एज ए एनजीओ हम ये काम कर रहे हैं, तो माँ बाप का नहीं फर्ज है, माँ बाप भी देखिए तो तेरा यूनिफॉर्म क्या हुआ। मैं समझता हूं
आप एक दसवीं जमात के बच्चे को, सॉरी पांचवी जमात के बच्चों को जिसकी उम्र 10 साल है उसके खुद के कोपड़े धोने लगाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा आपको शुरुआत में मुश्किल आएगी लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। तो हम ये देखें कि हमने उसमें वो हौसले का, वो इरादे का, आगे बढ़ने का बीज बोया है या नहीं, ये हमारा काम है। और तरबियत असल वहां से शुरू होती है, तरबियत वहां से शुरू होती है। और हमारा काम यह है कि जब हमने बीज बोया है तो उसको धीरे 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 परवान चढ़े। एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, एक दिन में कभी फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं पड़ता। तरबियत का जहां तक सवाल, ये बरसों का काम है जो अरसे तक आपको करना है, मुसलसल करना है। एक बड़े मशहूर हकीम का कॉल है कि अगर आपको एक साल की फसल लगानी है तो आप खेती करें, अगर आपको 10 साल की फसल लगानी है तो आप बागवानी करें, आम के पेड़ लगाएं, सेब के पेड़ लगाएं, और अगर आपको 100 साल की फसल चाहिए तो आप तालीम में इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें। एक बच्चा या एक बच्ची एक फैमिली से पढ़ लिख लेती है तो वो आने वाली अपनी चार जनरेशन को सुधार देती है। हमारे माँ बाप अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सलाहियत की कमी थी, मैं ये नहीं कह रहा, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, हालात वैसे नहीं थे, स्कूलें वैसी नहीं थी, इतनी मालूमात नहीं थी, इतना ज्यादा जो आज इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है वो नहीं था, नहीं कर पाए, लेकिन हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम जहां तक पहुंचे हमारे बच्चे उससे आगे बढ़ेंगे। ये बीज अगर आज हम उसके अंदर पैदा करते हैं, ये सोच पैदा करते हैं, ये ख्याल पैदा करते हैं, तो फिर हम उस ख्याल को बाकी रखने की मेहनत करेंगे। और अगर आज की उम्र में हमने वो बीज पैदा करना भूल गए, वो सोच पैदा करना भूल गए, चूक गए, कहीं से रह गए, तो आप आगे की उम्र में कितनी ही मेहनत कर रहे हो सकता है अल्लाह की तरफ से सारी चीजें हैं, लेकिन वो बच्चा अपने आप में एक कमी, एक खलिश हमेशा महसूस करे। आज भी बेशतर बच्चों से जब काउंसलिंग के लिए हमारे पास मुलाकात होती है, 10वीं पास बच्चा, 12वीं पास बच्चा, यहां तक ग्रेजुएशन पास किया हुआ बच्चा, जब उससे हम उसके मुस्तकबिल में आगे हौसले की बात या आगे एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल बैंक होता है, उसके जहन में कुछ नहीं होता, मैं ये कोर्स क्यों किया, बस वो किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से वो कर दिया। फर्क आ रहा है, तब्दील आ रही। बहुत से मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने बराबर लोगों से मालूम लेकर, जिन लोगों से वो भरोसा कर सकते थे उनसे मालूम लेकर काम किया और कर रहे हैं। हमें और आगे करना है, आगे चैलेंजर और मुश्किल, इसलिए ये काम अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुस्तकबिल अपने बच्चों को देने में कामयाब होंगे। इसके बाद की जो उम्र होती है वो थोड़ा सा खतरनाक होती है, जिसको एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं, थोड़ा सा खतरनाक होती है। ऐसे पीरियड में बच्चा बहुत गुस्सा रहता है, थोड़ा उसमें अंदर कुछ तब्दीलियां आती है, थोड़ा सा नाराज रहता है या अकेला रहना चाहता है, अकेला रहना पसंद करता है, माँ बाप से बात नहीं करता, तो ऐसे वक्त में आपका रोल थोड़ा सा और चेंज हो, आप उसको सपोर्ट कर, उसको ये बताने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए कि यह तजुर्बा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी हो चुका है, हम ऐसे ही बुरे नहीं हुए या ऐसे ही इस उम्र को नहीं पहुंचे, ये वक्त हमारे साथ भी गुजरा है, सिर्फ तुम अकेले नहीं। यह वक्त तमाम तर लोगों का यह मानना है जो तालीम से वाबस्ता है, जो नफ्सियात से वाबस्ता है, कि यही वो वक्त है जहां ज्यादातर बच्चों में बिगाड़ पैदा होता है, ज्यादातर बच्चों में बिगाड़ पैदा होता है, क्योंकि हमने बच्चों से एक कम्युनिकेशन डेवलप नहीं किया, बच्चों से बात नहीं की, बच्चों को यह नहीं बताया कि इस वक्त में ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे लोग गलत वो ले लेते हैं, गलत मतलब समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब मां बाप बच्चों से बात करें, गुफ्तगू करें, मुकालमा करें, डिबेट करें, खाना खाया या नहीं, स्कूल गए थे या नहीं, पढ़ाई की या नहीं, होमवर्क किया था नहीं, आज ये क्या पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा है, आइसक्रीम खाएगा, ये करे, ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं।
उनको देते हैं वो लेते हैं, बातचीत नहीं। आप शाम में बैठो, गप्पे लड़ाओ, अपने ऑफिस के एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करो, अपने घर घरेलू बातें उनसे डिस्कस करो, बच्चे भी अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। अच्छा, आपके जहन की बात आपके जहन के हिसाब से रहेगी, बच्चों की बच्चों के हिसाब से रहेगी। तो उसको उसमें बच्चों ने अगर कोई जोक किया है और आप वो जोक 25 बार सुन चुके, तो भी आप खिलखिला के हंसो, आप उसकी खुशी में शामिल हो, तो उनको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे दोस्त है, ये तो मेरे जैसे ही है। वो अपने माँ बाप को एक बिल्कुल एक हेलो इफेक्ट में देखता है, हमेशा हेलो इफेक्ट में देखता है। आप उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे बात करो, घर के मसाइल बताओ। कभी आपसे गलती हो जाए ना, उसको मानो उसके सामने कि हाँ बेटा मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था मुझे, मुझे तुमको नहीं डांटना चाहिए था। उसको वैल्यू आएगी, हाँ कि भाई मेरी कोई वैल्यू है, मेरी कोई पहुंच है, मैं कुछ समझ, मुझे कुछ समझा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन अगर आपने उसे एस्टैब्लिश किया है, तो वो फिर अपनी बॉडी के चेंजेस आपको बताएगा, आपसे डिस्कस करेगी बच्चे। और अगर यहां नहीं डिस्कस किया, यहां नहीं बताया, तो वो अपने किसी दोस्त को बताएगा, किसी बाहर वाले को बताएगा। अगर मां बाप ने उसकी नहीं सुनी, वो बाहर वाले को बताएगा, और बाहर वाला अपना फायदा रख के बात करेगा। बुराई यहां से शुरू होती है, बुराई यहां से शुरू होती है जब बच्चा अपने मां बाप से झिझक कर, शर्म कर, या किसी वजह से कि यार ये लोग सुनेंगे नहीं, ये हमेशा मेरी गलती निकालते हैं, मुझे मानते नहीं है, हमेशा मेरे को ही कॉर्नर करेंगे। अगर आप में उससे ये उसकी उसके दिल में ये डेवलप है, तो वो अपनी चीजें आपसे नहीं शेयर करेगा, अपने किसी दोस्त से शेयर करेगा, किसी बाहर वाले से शेयर करेगा, किसी नुक्कड़ पे खड़े हुए बदमाश आदमी से शेयर करेगा, और वो आदमी अपना फायदा रख के उसको मशवरा देगा, और बुराई यहां से शुरू होगी जो किसी बहुत खतरनाक नतीजे पर ले आएगा, उसको छोड़ देगी। ये चीज हमें रखना है। शुरुआत में अगर आपने अच्छा रैपो डेवलप किया है, कम्युनिकेशन अच्छा किया है, तो वो आपसे ही बात करेगा, बाहर वाले से बात करने में शर्मा है। यहां से उसकी शख्सियत डेवलप हो, यहां से वो आप में और अपने में कुछ फर्क नहीं समझे। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जब बेटा बाप की चप्पल पहनने लगे या बाप के कांधे तक आ जाए, तो वो बेटा नहीं रहता, वो दोस्त हो जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते, बेटा सुनता नहीं। अच्छा, नहीं सुनता, किसी की तो सुनता होगा, बोले अपने दोस्तों की सुनता है। अरे तो बहुत आसान है, आप उसके दोस्त बन जाओ, आप क्यों नहीं सुनेगा? आप हमेशा डंडा लेके खड़े हो, कहां से सुनने वाला है? इसलिए अगर आप एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत उसके साथ डेवलप करते हो, तो वो आपका हाथ बनेगा, तुम्हारा हाथ पैर बनेगा, आपके अपना भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। नहीं करोगे, अपना भी नुकसान करेगा, आप करोगे, और ये नुकसान के दोनों बराबर के भागीदार हो। तो यहां से बच्चों की शख्सियत को सुधारना, उनके जिम्मे लगाना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो बात बीच में आ गई, उनके जिम्मे लगाना। जिम्मे क्या लगाना? घर की कोई जिम्मेदारी उनको देना मुस्तकिल, कम से कम अपने कपड़े धो, जिस थाली में खाया है आपने वो थाली धो, अपना कपड़ा खुद इस्त्री करो, अपना बिस्तर खुद लगाओ, अपना बिस्तर खुद उठाओ। छोटी छोटी चीज है, लेकिन आप एक पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव मैसेज उसको दे पाएंगे। अगर हम अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद सबसे अहम चीज आती है, घर का बजट। आप बच्चों से डिस्कस कीजिए, अब ये महीने इतनी तनखा आएगी, इतना पैसा आएगा, उसको कैसे खर्च करें, उसको बताओ कि भाई ये मैंने तेरे हायर एजुकेशन के लिए सेव किया है, ये तुम कॉलेज में जाने वाले हो, ये कॉलेज की फीस के लिए मैंने रखा हुआ है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा बेटा, या इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा बेटी, ये पैसा मैंने तुम्हारे एजुकेशन के लिए रखा हुआ है, अब ये जो पैसा बचा है इसी में अपने को काम करना है, इसी में घर चलाना है, इसी में रिश्तेदारी निभाना है, इसी में शादी ब्याह ईद त्यौहार रमजान सब इसी में करना है। अगर ये मैसेज उसको डे वन से दिया हुआ है, तो वो भी सीरियस होगा, नहीं मेरे मामा जरूर फिकर करते हैं, सोचते हैं। अगर एक दिन की प्लानिंग आपने की है, तो वो बच्चे की काम आएगी, और अगर वो प्लानिंग आप करने में आप फेल हुए हैं, तो वो बच्चों की ना काम आएगी। अच्छे अच्छे मैं समझता हूं काफी लोग ये काम कर रहे हैं,
बच्चों से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात करके, घर का बजट डिस्कस करके, घर की मंथली मीटिंग करके बात कर रहे हैं। मीटिंग हुआ तो नहीं कि भाई आज मीटिंग है घर की, संडे, आज एजेंडा नंबर वन, एजेंडा नॉट लाइक दैट। कभी बैठे, कोई मूड है बच्चे का, वो फ्री है, हम फ्री है, बेटा ये करना है, सलाह मशवरा करो, फला जगह शादी है, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, क्या लेन देन करें, क्या बोलते हैं उसको, आहिर क्या दें, पूछो ना उसको बच्चे को, उसके जहन में क्या जरा खोलेगा तो मालूम तो पड़ेगा क्या सोचता है वो। रिश्तेदारों के बारे में जो आपने फिटिंग दिया वही उसके जहन में ना, उसकी राय में पूछो, समझ में आएगी बात, और वो अपने आप को घर का फर्ज और घर का जिम्मेदार महसूस करेगा, घर का जिम्मेदार महसूस करेगा, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। बात कमी तो नहीं हो रही है, थोड़े से पॉइंट और मैं उसे वक्त का बताना किया गया था इसके लिए। अभी स्कूल का एजुकेशन बजट की मैंने बात की, चेंजिंग सिनेरियो जो है वो बहुत डेंजर है। आज जो हम अभी सब आप माशाल्लाह एचएल में काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, आपने अपने कॉलेज में जो डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है उसका कितना परसेंट आज हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर पा रहे हैं ये आप डिसाइड कीजिए, मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा, ये आप डिसाइड कीजिए कि हमने जो तालीम हासिल की, जो इंजीनियरिंग की, जो डिप्लोमा किया, डिग्री की, जो भी किया, उसका कितना परसेंट हम यूज कर रहे हैं, और आगे दो साल बाद, पांच साल बाद, आठ साल बाद, दस साल बाद, जब ये हमारा बच्चा वो पांचवी में आज है, आज ये जब सात साल बाद बारहवीं का एग्जाम देगा, पंद्रह साल बाद ग्रेजुएशन का एग्जाम देगा, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस। तीन साल के लॉकडाउन में और उसके पहले दो साल की पूरी दुनिया बदल गई, सब वर्क फ्रॉम होम आ गए। आज भी मुंबई में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, मैं दिखा सकता हूं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी पूरी इमारतें दी, बिल्डिंग थी तो कंपनी किराया भरती, जो पूरी किराए की इमारतें खाली कर दिया, सबको एक एक लैपटॉप दे दिया, वाईफाई का खर्चा दे दिया, आने महीने में एक बार ऑफिस आने का, एक कमरे कहीं ऑफिस कहीं दूर लेकर रखा है, वहां बुलाते हैं वो भी सिर्फ डिस्कशन के लिए, वो भी जरूरत नहीं, उनको असाइनमेंट मेल पे आ जाता है, ये असाइनमेंट पूरा करते हैं वापस मेल कर देते हैं, वापस अपलोड कर देते हैं, उनकी सैलरी ऑनलाइन आ जाती है। ये दुनिया बदली ना, पूरी बदल गई तीन साल में, अभी और फास्ट, अभी तो चैट जीपीटी आ गई, अजीब चीज जितने लोग यूज करते हैं जानते हैं, अजीब चीज है, वाकई में अजूबा। हमने वो पहले कहानियों में सुना था अलादीन का चिराग, वो जी रगड़ो जीन आ जाता है, लोग प्याले में पूरी दुनिया देख लेता है, अब मोबाइल में सारी दुनिया देख रहे हैं, तो गूगल मैप ऐसी चीज है, अभी और एडवांस मैप आ गया, आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला देख लो उसको। बोले बादशाह के पास एक प्याला था, वो अपनी पूरी सल्तनत देख लेता था उस प्याले में, तो हम अपनी दुनिया के बादशाह हो गए, पूरी दुनिया देख रहे हो। आप एरिया का एड्रेस टाइप करो, वो लेन, वो कॉल, वो सब दिखाएगा, यहां बैठे कैनेडा की सर कर रहे हैं, तो हमारे दोस्त के बच्चे रहते हैं कैनेडा में, वो डेली बात, वो टीवी लगा हुआ उनके, वो यहां की फैमिली वहां से बात करती, वहां की फैमिली यहां से बात करती, कोई फर्क रहा ही नहीं। तो तीन साल बाद दुनिया क्या होगी, चार साल बाद क्या रहे, क्या हमारे बच्चे उसके लिए तैयार हैं, क्या आज जो एजुकेशनल सिस्टम है, आज जो हम 10वीं 12वीं के मेरिट, आईआईटी, नीट, जेईई, क्लैट, एमबीए, ये उसके उसको पूरा पढ़ेंगे। 1995 में हमने एक लेक्चर अटेंड किया था, वहां पर यह कहा गया था 25 साल बाद, मतलब 95 से 25 साल, 2020, एक मामूली शॉप ओपन करने के लिए आपको एमबीए की डिग्री दिखानी पड़ेगी तो आपको लाइसेंस मिले, 95 में कहा गया, हमको मजाक लग रहा था, जोक लग रहा था, लेकिन क्या आप सोचिए वाकई वो नौबत नहीं आ गई, क्या हम कंपीट कर पाएंगे, हमारे 10वीं 12वीं के बंदे नहीं कर पा रहे बच्चे, मुश्किलात आ रही है, हद दर्जे मुश्किलात है। तो पांच साल बाद दुनिया किस करवट लेने वाली है,
ये नया जीन जो बोतल से बाहर आई है वो और क्या आने वाला है सामने, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अरे पहले हम तैयार होंगे जहनी तौर पर, तो वो खाद हम बच्चों को देंगे, फिर बच्चा 20 साल बाद उसके लिए तैयार होगा। उसको इमेजिन तो करो, सोचो तो सही कि एक सादी सी चीज है जिसको हम कहते हैं सिम कार्ड, ये अगर मोबाइल में डाल दो तो उसकी सारी हिस्ट्री, वो कहाँ गया था, कब गया था, कितने बजे गया था, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खाया, सब आ जाता है। अब तो जी 4G की इसकी बात फाइनल आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? एज अ पेरेंट हमको कितना टेक्नो सेवी होना चाहिए, कितने आगे की सोच रखना चाहिए, कितना दूर तक। पहले ऐसा होता था बच्ची पैदा हुई घर में उसका दहेज जमा करना शुरू, चाहे 15 साल में शादी करो, 20 साल में शादी करो, 15-20 में ज्यादा बोल रहा हूं। तो आज बच्चा पैदा हुआ उसका ग्रेजुएशन की तैयारी करो, तो आप जीतोगे, तो आप मैदान में रह पाओगे, तो वो बच्चे कंपीट कर पाएंगे, अदरवाइज मैदान से कब बाहर होंगे आपको पता नहीं चाहिए। हम बाहर होंगे, आउटडेटेड हो गए, बहुत सारी चीजों में हमारे बच्चों की हेल्प करना पड़ती, तो बेटा जरा बताइए क्या कैसे करना है, इसको लेना पड़ती है। मेरे स्कूल के जो जूनियर टीचर है उनको बुलाना पड़ता है, इधर ये कंप्यूटर बंद हो गया, चालू करो, वो वाईफाई नहीं चल रहा है, ये फाइल अपलोड करो। ये आज का आलम है, उस पार का आलम क्या होगा अभी तो दुनिया बाकी है, देखना है। तो हम इस चैलेंज के लिए अपने बच्चों को कितना तैयार कर पा रहे हैं वो हमारी आज की सबसे बड़ी फिगर है, और ये फिगर अगर हम लेके आज जाते हैं तो मैं समझता हूं मेरा आना भी सफल है और आपको यहां जमा होना भी सफल। ये फिगर अगर आज हम लेके जाते, इसको सोचना है। अगर हम ये सोच में कामयाब हो गए, मैंने बात वहीं से शुरू की, मैंने बात वहीं से शुरू की थी कि लड़का लड़की की परेशानी में आने वाली 3 नस्लें देखता है, और लड़की लड़के की परेशानी में उसकी गुजरी हुई 3 नस्लें देखती है। तो अगर आज की तारीख में आप अपने बच्चे का 10 साल बाद 15 साल बाद एक फ्यूचर विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उसका तसव्वुर कर पा रहे हैं, तो आप एक कामयाब माँ बाप का रोल अदा कर सकते, और नहीं तो फिर हमको पिछड़ना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, और पीछे की कोई हद नहीं है, जितना पीछे जाओगे उतना पीछे चलेगा। जमाना कयामत की चाल चल रहा है, और हम अपनी जगह से हीरो तैयार, हमको अपनी अकदार की पाबंदी करनी है 100%, और उस अकदार की पाबंदी के साथ हमें जमाने के नए चैलेंजेस का सामना करना, नए मुकाबलों का सामना करना। अभी परसों 2-3 दिन पहले एक खबर पड़ी, कोई बच्ची है वो फाइटर जेट की पायलट बनी, और मैंने उसका फोटो देखा, इंडिया में मैंने उसका फोटो देखा, वो मुकम्मल हिजाब यूनिफॉर्म में पहने है लेकिन हिजाब में, और आप तो HL वाले आप ज्यादा अपडेट हैं, मैंने देखा उसको। तो इस चैलेंज के साथ अगर आप तैयार है, इस चैलेंज को आप कभी करने का तैयार है, क्योंकि बहरहाल बच्चे के सोच में, बच्चे के इरादे में, बच्चे की नब्ज में वो इंजेक्शन देने वाले आप, हर बच्चा आपका अपना है खास, ऐसा कभी नहीं बोला। मैडम ने कहा पेरेंट्स कहते ये बच्चा कब जाए, नहीं ये बच्चा ऐसे ही था, ऐसा बच्चा हमको क्यों मिला, अरे वो भी बोल सकता ऐसे ही मां बाप हमको क्यों मिले, आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आपने अपनी मर्जी से उसको पैदा नहीं किया, आप अल्लाह के एक इनाम का, आपके जैसे हमारे यहां सदका जारिया का तसव्वुर है, वैसे गुनाह जारिया का भी तसव्वुर है। अभी बंबई में शुरू हुआ, अभी नासिक में हो गया मुझे नहीं पता, अगर वो राइस ड्राइविंग, बच्चे बाइक लेके बहुत चलाते हैं रात में, जो बच्चा अंडर एज है और बाइक चलाते हुए पकड़ा गया तो पनिशमेंट उसके फादर को, बंबई में शुरू अभी यहां पता नहीं, पनिशमेंट उसके फादर को, उसने बाइक दी क्यों, और बच्चे को एज अ पनिशमेंट 18 साल में लाइसेंस नहीं मिलेगा, 25 साल में मिलेगा, क्योंकि आधार लिंक है अभी हर चीज से, हर चीज से आधार लिंक, तो यहां पर तो वो गुनाह जारिया हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा शहरी ईमानदार ने समाज को देते हैं, तो वो जो भी अच्छे काम करेगा, आप जिंदा रहेंगे आपको दुआएं मिलेंगी, आप चले जाएंगे आपको नहीं क्यों मिलेंगी, और अगर उल्टा है तो रिवर्स भी हो जाएगा मामला। तो
आपके हाथों में मुस्तकबिल का एक खिलौना है, उसकी तरबियत कीजिए और अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा अब हम सिंसियरिटी की तरफ आए, सिंसियरिटी की तरफ आए, अपने औकात को फारिग करें। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर और ये जिम्मेदारी शाना दर शाना चली आ रही, कभी हमारे माँ बाप के ऊपर थी, आज हमारे ऊपर है, कल हमारे जो बच्चे वो माँ बाप बनेंगे। तो ये डुप्लीकेशन है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल चलने वाला काम है, ये आगे बढ़ने वाली चीज है जो ना कभी रुकी है ना रुकेगा। हम अच्छा शहरी देना चाहते, अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते। मैं थोड़ा सा एक अलग से भी बात करूंगा, मैरिज जब शादी ब्याह होता है बहुत सारी इसमें, तो हम वहां पर हमारा एक दारुल कज़ा है, वहां पर भी हम लोग जाते हैं। तो आजकल जो ज्यादातर केसेस आ रहे हैं मैरिज डिस्प्यूट के जो केसेस आ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन का मसला, ह्यूज एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब तसव्वुर से परे तवक्कुआत, लड़के की तरफ, लड़की की, लड़के की तरफ, ये फैमिली की, वो फैमिली की, ये फैमिली, चूंकि वो कहीं हम तरबियत के मामले में चूक गए हैं, इसलिए वो सारे मसाले आ रहे। वरना वो अगर हम इन चीजों पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह वो नस्ल भी हमारे पर आएंगे और बच्चा एक मजबूत शहरी बनेगा, एक अच्छा कैरेक्टर वाला शहरी बनेगा और बच्चे भी वैसे बनेंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा और मामला आगे बढ़ेगा। हमारे पास एक खातून थी अपने बच्चे के निकाह के लिए, तो कहने लगे सर ऐसा रिश्ता बताओ ना उसके भाई बहन नहीं चाहिए। अच्छी बात है, कोई भाई बहन नहीं चाहिए और देखना अगर माँ बाप मेरे तो और अच्छा, मेरा ऐसा एक रिश्ता है लेकिन उसकी शादी हो गई। मैंने कहा उन्हें बहुत पहले एक रिश्ता है जिसके ना माँ बाप थे ना भाई बहन, हजरत आदम थे ना भाई बहन थे ना माँ बाप थे, वो एक लौता एक था मेरे, उसके बाद जितने आए सब लोग एक ना एक तो लेके गया। तो वो ये तरबियत की कमी होगी ना, तो आदमी ऐसा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे, हम ऐसा तैयार करें बच्चों को, किस भी माहौल में जाएगा रह लेगा, किसी भी जगह जाएगी निभा कर लेगी। तो ये चीज अगर आज हम लेके जाते हैं इस पैगाम के साथ कि हम जो है 10 साल बाद इंशाल्लाह वापस इस हॉल में मिलेंगे और अपने बच्चों की कामयाबी की कहानियों के साथ मिलेंगे, तैयार है सर? अगर कुछ भूल चुक हुई हो, किसी की दिलादारी हुई हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो मैं बहुत तहे से माफी चाहता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई का जिन्होंने याद किया। इंशाल्लाह जब भी आप कहेंगे तो बंदा हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह।